टीम इंडिया क्यों हार गई श्रीलंका से इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद, आइए चलिए आज आपको बताते हैं। टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, जो कि एशिया कप में मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच जो कि खेला जा रहा था। श्रीलंका ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 रन का लक्ष्य रखा। श्रीलंका ने शेष गेंदा शेष रहते ही हासिल कर लिया, जो कि श्रीलंका ने 6 विकेट से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। आखिर टीम इंडिया क्यों हार गई, चलिए इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉस को लेकर। टॉस जब रोहित शर्मा हार चुके थे तो इनको बल्लेबाजी करने का न्योता दिया श्रीलंका की टीम ने। श्रीलंका की टीम ने जब इन्हें बल्लेबाजी करने का मौका दिया तो रोहित शर्मा बखूबी अपना रोल निभाए। इसके बाद विराट कोहली, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या कुछ खास नहीं कमाल पाए, जो कि श्रीलंका को अच्छा टारगेट स्कोर जो कि नहीं दे पाए और 173 रन का लक्ष्य दिया श्रीलंका टीम को। और वहीं हम गेंदबाजी की बात करते हैं, भारतीय टीम आज गेंदबाजी बहुत ही खराब की, क्योंकि पावर प्ले के दौरान एक ही विकेट नहीं चटका पाई, जो कि श्रीलंका की टीम की। इस वजह से वहां पर भारतीय टीम काफ़ी मुश्किल में नजर आ रही थी और इसी वजह से भारतीय टीम इस मैच को जो कि हार चुकी है। और इसके बाद हम बात करेंगे, एक ऐसा मूवमेंट भी आया था कि जब टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी, जो कि युजवेंद्र चहल ने एक ही ओवर में जो कि दो विकेट जो कि चटकाए थे। इसके बाद ये करो ये मरो मुकाबले में भी टीम इंडिया खूब जोर तोड़ से मेहनत की, मैच को जीतने की कोशिश की, परंतु नहीं, श्रीलंका ने इसे अपने मुट्ठी में कब्जे कर लिया था। जिस ओर से श्रीलंका ने इस मैच को जो कि जीत लिया।